एक साल कहाँ गए सर? सर बिहार में गठबंधन टूट गया है, बीजेपी जेडीयू का गठबंधन टूट गया है। 2013 की कहानी एक बार फिर से रिपीट हो गई है। देखिए देखते जाइए, मुझे लगता है मैंने कल कहा था संसद के अंदर, मैंने कहा था, मैंने संकेत भी दिया था। ये मेरे कोई पार्टी का विचार नहीं था, मेरे मन की जो भावना थी, और मैं अपनी मन की भावना को ना कभी रोक सकता हूँ। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। और मैंने कहा था कि बीजेपी बिहार के लिए सब कुछ, बिहार के विकास के लिए हमने कुर्बानी दी है एक नहीं अनेक बार, और जो लोग उन कुर्बानियों को भूल जाएंगे, जो डबल इंजन की सरकार चल रही थी है, जो उस विकास को पीछे धकेल के जंगल राज में फिर जाने का, फिर से बिहार को धकेलने का काम करेंगे, उसको बिहार की जनता सदा सर्वदा के लिए धकेल देगी और उन्हें गड्ढे में जाकर के अपना प्राण बचाना होगा। मुझे लगता है कि बिहार संस्कृति का बिहार है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी निष्ठा के साथ, हम राजधर्म के साथ साथ जो गठबंधन धर्म का पालन है, अक्षरशः पालन, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरदे अटल जी की सरकार से लेके अभी तक नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो बिहार के विकास के लिए जो कुछ भी उन्होंने सार्थक पहल और प्रयास बिहार को आगे बढ़ाने में किया है, बिहार के विकास को कोई अवरुद्ध नहीं कर पाए। सर कहा जा रहा है कि 24 में लोकसभा चुनाव लड़के पीएम मोदी को चुनौती देंगे, कुमार को कमजोर करने, कह रहे हैं कि पीएम मोदी को चुनौती देंगे 24 में। लगता है ये गलतफहमी जो लोगों को हो गई है। बार बार ये गलतफहमी क्यों हो रहा है, किसी एक व्यक्ति के साथ ही क्यों हो रहा है ये गलतफहमी बार बार? और इसलिए मुझे लगता है कि उस गलतफहमी के शिकार होने वाले को पता नहीं, मैं बाद में कहूंगा, मैं अभी बैठक में भाग लेने जा रहा हूं पटना, हमारी कोर ग्रुप की बैठक है, बैठक के बाद मैं और भी बातों को स्पष्ट करूंगा। मैं इतना ही कह रहा हूं कि जब नाश मनुष्य को छाता है पहले विवेक मर जाता है, और विवेकहीन व्यक्ति कोई भी शासन अच्छी तरह नहीं दे सकता। सर बिहार की राजनीति में सीडी के